दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक मिनी पोर्टेबल फ़ैन, और ये मैंने मीशो से ख़रीदा है 270 रुपये में। आप लोग वहाँ से मत खरीदना, मैं फ्लिपकार्ट से लिंक दूँगा, वहाँ से आप ज़रूर ख़रीद लेना। और फ्लिपकार्ट में प्राइस आपको लगभग पड़ेंगे 300 से 350 रुपये में, आपको ज़रूर मिल जाएगा। और गर्मी के टाइम में सभी स्टेट्स में तो होता ही है इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, आप जिस भी स्टेट से हो ज़रूर बताना कमेंट में। और ये जो फैन है उसी की सोल्यूशन है, ये रिचार्जेबल है। और इसका दिक्कत की मेन जो बात है मैं बाद में बता रहा हूँ आप लोगों को। इस बॉक्स के अंदर एक स्टैंड मिलता है जिससे कि आप इस फैन को खड़ा करके रख सकते हो, और एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल। पीछे की तरफ इसका साइज वेट के बारे में कुछ लिखा है, कितना वोल्ट की बैटरी, कितना सब कुछ ऐसा कुछ लिखा है, मैनुअल इसके अंदर नहीं आती। और ये मेड इन चाइना है, एक दिक्कत की बात है, टिक भी सकता है नहीं भी टिक सकता है, इसका गारंटी कोई नहीं दे सकता, सबको पता ही होगा। तो फैन की ओर आगे बढ़ते हैं, और मेन जो बात है वो है इसके पीछे जो है बैटरी नहीं मिलती है। बैटरी नहीं मिलती है हमने मान लिया, लेकिन पीछे की तरफ एक कवर जो होती है बैटरी के ऊपर वो नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिला मेरे को पता नहीं। और फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड मीशो सभी में एक ही क्वालिटी का फ़ैन मिलता है इस प्राइस में। फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन में थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैंने मीशो से परचेस किया, और मीशो से परचेस करने के बाद ये हाल निकला है, पीछे की कवर ही नहीं मिलता आप लोगों को। बैटरी नहीं मिला वो मैंने मान लिया, लेकिन पीछे की कवर तो आना चाहिए था ना, और नहीं तो बता देते कि इस प्राइस में ये नहीं मिलेगा तो हम नहीं खरीदते। तो फैन की ओर आगे बढ़ते हैं, और इसके पीछे जो है बैटरी, हमारी घर की एक लाइट की बैटरी है, उसको मैंने खोल लिया है, उस बैटरी को आप देख सकते हैं, ये उसका बैटरी आप देख सकते हैं। इधर पर जो है वेल्डिंग की वायर निकले हुए है, जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि ये इसका नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ कि ये इसका नहीं है, ये हमारी घर की एक लाइट की है। और माइनस प्लस देख के इसको इधर सेट कर देना है, और इसके ऊपर जो कवर नहीं आती है उसके ही मैं बात कर रहा था इतना देर। और उसका फैन देख सकते चल रहा है, और इसका मेरा जो बैटरी था उसका चार्ज नहीं था, मैंने उसको फिर से चार्ज किया है। और इसके साथ जो स्टैंड आता है उसका कवर जो होता ना, तो इसके साथ ये फिट बैठता, अब ये फिट नहीं होता, थोड़ा हिलता है। इसके अंदर इसको ऐसे घुसा देना है, और ढीला टाइप की हो रखी है, देख सकते हैं लूज है बहुत, देख सकते हैं ऐसा कुछ हिल रहा है जिससे कि यह फिट नहीं बैठता है। और देख सकते हैं थोड़ा बहुत ठीक रहता है। और ये साइज आप देख सकते हैं इसका, कितना बड़ा साइज है इसकी, हवा भी बहुत अच्छी देती है। मैंने वीडियो बनाने से पहले एक बार खोला था इसको, और एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल जिससे कि आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं। इधर है उसकी पॉइंट जिससे कि आप इसको चार्ज कर सकते हैं फिर से। फिलहाल इसको साइड में रखते हैं, और इसको हम टेस्ट करेंगे अब। और इसका प्लास्टिक का क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, फाइबर टाइप की इसकी प्लास्टिक है। और इसका प्लेबैक टाइम है लगभग 3 आवर्स, लेकिन इसके साथ बैटरी नहीं आई है, और मेरी जो बैटरी है उसकी प्लेबैक टाइम आधा घंटा चार्ज करने पे 10 मिनट ही देता है, और बाकी सब बैटरी में कितना देगा मेरे को तो नहीं मालूम। लेकिन आप लोग जब फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से परचेस करेंगे उसके साथ बैटरी एंड बैटरी कवर दोनों ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ कुछ टाइम ऐसा हो जाता है, इसलिए मैंने मीशो से आप लोगों को खरीदने को मना कर रहा हूँ। आप लोग फ्लिपकार्ट की जो लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ही परचेस कर लेना। देख सकते हो इसका, और भी एक बात पहले उसको बता देता हूँ मैं, इसका जो स्विच है वो एक बार दबाने से नॉर्मल मोड में चलता है, दूसरा बार दबाने से ये थोड़ा तेज़ होता है इसका पंखा चलने का, तीसरा बार में और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है, वो सबसे हाई स्पीड है,
थ्री टाइप की मोड आपको इस फैन में मिल जाता है, जिससे कि आप इसका पावर जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो आसानी से। एक बार देख लेते हैं, पहला वाला दिया मैंने और ये देख सकते हैं नॉर्मल चल रहा है, और इधर मैंने इस एक पेपर को कट कर लिया है, उससे कि आप देख सकते हो इसका हवा की प्रेशर कितना ज़्यादा है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल है, और अब मैं ज़्यादा कर रहा हूँ इसका, और भी देख सकते हैं बहुत तेज़ हवा दे रही है। तीसरी वाली में और भी ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि आप रिलैक्स कर सकते हैं बहुत आसानी से। फिलहाल इसको आप बंद करते हैं, और आप लोगों को शायद वो दिखा नहीं, इधर दो लाइट मिलती है, ये देख सकते हैं इधर दो जो होल किया गया है, इधर से एक रेड लाइट जो जलती है और एक ब्लू लाइट ब्लिंक करता है, दोनों ही ब्लिंक करता है। रेड लाइट जब आप इसको रिचार्ज करोगे प्लग में देकर, तब रेड लाइट ब्लिंक करेगा, और जब इस फैन को चलाओगे तब वो ब्लू वाली लाइट ब्लिंक करेगा। आप लोग देख सकते हैं, कैमरे में शायद नहीं दिख रहा है, देख सकते हो इधर ब्लू वाली जो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है, इधर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, जिससे कि आप समझ जाओगे कि आपने जो और जब ये लाइट की जो नहीं, ये जो फैन की जो लाइट है वो जब जोर से ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि ये फैन की जो बैटरी है वो थोड़ी देर में ही ख़त्म होने वाली है, और इसका जो रेड वाला क्या बोलते हैं लाइट है वो, उससे आप पता करोगे, इंडिकेट करोगे कि ये चार्ज हो रहा है। जब चार्ज नहीं होगा तो उसका रेड लाइट भी नहीं जलेगा, सीधी सी बात है। और परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, उसे आप परचेस कर लेना। और मतलब क्या ही बोलूँ, मेरा तो मन ही खराब हो चुका है इसको देखकर, पीछे की कवर नहीं मिल रहा, बैटरी नहीं मिला तो उसके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका जो कवर है वो आ जाता तो बहुत खुश हो जाता हूँ। तो खैर छोड़ो, आज के लिए वीडियो इतना ही, जिसको भी अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर।